सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फीवर के बारे में। आज हम बात करेंगे फीवर के बारे में। फीवर क्या होता है? एक इट इज अ सिम्टम एज वेल साइन। ये सिम्टम भी हो सकता है, मरीज हमें आके बता सकता है कि उसे फीवर है, या फिर हम उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करके बता सकते हैं कि उसको फीवर है। फीवर एक सिम्टम भी है और एक साइन भी है, और हमें फीवर को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो दिस इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, 98 to 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसमें कितना वेरिएशन रह सकता है? 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट का डे टू डे वेरिएशन। एक दिन में कितना वेरी कर सकता है टेम्परेचर? 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट ऊपर नीचे हो सकता है। सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 98 to 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वेरिएशन कितना रहता है? ये मैंने जो लिखा है 1.5, ये वेरिएशन है। डे टू डे वेरिएशन कितना हो सकता है टेम्परेचर का? 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट जो वेरिएशन हो सकता है टेम्परेचर का। यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो फीवर होता है सबसे कम किस टाइम पे होता है? मॉर्निंग में। सबसे कम मॉर्निंग में, मॉर्निंग में सबसे कम होता है बॉडी का टेम्परेचर। और बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा कब होता है? इवनिंग में। इवनिंग में यानी कि 4 से 6 बजे के बीच में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, और मॉर्निंग में सबसे कम होता है। और इसके बाद एक चीज और बताना चाहूंगा, ये तो रहा हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। अब सब नॉर्मल कब कहते हैं? सब नॉर्मल कब कहते हैं बॉडी का टेम्परेचर? सब नॉर्मल हम कहते हैं अगर किसी का 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे हो जाए तो उसे कहते हैं हम सब नॉर्मल। ये सब नॉर्मल आ गया, 98 से नीचे सब नॉर्मल। नॉर्मल इज 98 to 99। और सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कब होता है? जब 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चले जाए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके बाद हम फीवर कब कहते हैं? पायरेक्सिया या फिर फीवर कब कहते हैं? फीवर हम कहते हैं अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाए, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाए तो उसे फीवर कहते हैं। फीवर या पायरेक्सिया अगर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाए तो उसे हम फीवर या पायरेक्सिया कहते हैं। यहाँ पे एक टर्म और बताना चाहूंगा, हाइपोथर्मिया को कहते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया हम कहते हैं जब बॉडी टेम्परेचर क्या, बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 95 से कम। ये इंपॉर्टेंट है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर कम हो जाए तो हाइपोथर्मिया कहते हैं, हाइपोथर्मिया। अगर आप थर्मोमीटर से चेक कर रहे हो किसी पेशेंट को, अगर उसका 95 से नीचे आ रहा है तो वो हाइपोथर्मिया है। उसको उसको क्या है? हाइपोथर्मिया है, हाइपोथर्मिया उसको। अब जैसे हाइपोथर्मिया हो गया, इसके बाद हाइपर पायरेक्सिया क्या होता है? हाइपर पायरेक्सिया यानी कि बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 106.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर। 106.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर चला जाता है तो उसे हम हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। 106.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर होता है तो वो हाइपर पायरेक्सिया में आता है। सो एक बार रिपीट करके देखने हम क्या क्या हमारी बॉडी टेम्परेचर थे। नॉर्मल 98 से 99, सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98 से नीचे, फीवर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर, हाइपोथर्मिया 95 से नीचे, और हाइपरपरेक्सिया 106.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर। नाउ फीवर की डेफिनेशन और आती है जो इंपॉर्टेंट है याद रखने के। फीवर कब कहते हैं? फीवर हम कहते हैं अगर किसी का मॉर्निंग टेम्परेचर और इवनिंग टेम्परेचर दोनों देखना होता है, मॉर्निंग और इवनिंग टेम्परेचर। मॉर्निंग टेम्परेचर अगर किसी का, मॉर्निंग में ओरल टेम्परेचर देखना है हमने, बेसिकली ओरल टेम्परेचर 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाए। मॉर्निंग यानी कि एएम का ओरल टेम्परेचर देखना है। अगर वो 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाए, या फिर इवनिंग टेम्परेचर जो 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाए, दिस इज पीएम टेम्परेचर, तो हम उसे कहते हैं पेशेंट को फीवर है। फीवर की डेफिनेशन है ये, मॉर्निंग टेम्परेचर 98.9 से ऊपर और इवनिंग टेम्परेचर 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर अगर हो तो हम उसे कहते हैं कि पेशेंट को फीवर है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका पता होना चाहिए, ये डेफिनेशन है फीवर की।
अब कौन कौन से मेथड्स होते हैं फीवर देखने के लिए? हमारे पास ओरल होता है, मैं यहाँ पे मेथड्स बताना चाहूंगा फीवर कैसे कैसे देख सकते हैं, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग द फीवर, कौन कौन से मेथड्स हम बुखार देख सकते हैं। एक होता है हमारे पास ओरल मेथड होता है, ओरल टेम्परेचर देख सकते हैं, एक्सलरी देख सकते हैं और रेक्टल देख सकते हैं, रेक्टल। सो ये मेथड आते हैं रिकॉर्ड करने के टेम्परेचर के, ओरल एक्सलरी और रेक्टल, ओरल एक्सलरी और रेक्टल। तो ओरल टेम्परेचर हमने क्या करना है, इसमें थर्मामीटर को टंग के नीचे रखना होता है। थर्मामीटर इज प्लेस्ड अंडर द टंग, हमने थर्मामीटर को टंग के नीचे रखना है और पेशेंट को कहना है कि वो नाक से सांस ले और लिप्स को क्लोज कर ले, नाक से सांस ले और लिप्स को क्लोज कर ले। और ओरल टेम्परेचर जो होता है वो बॉडी का कोर टेम्परेचर बताता है, बॉडी का कोर टेम्परेचर। लिप्स के नीचे हमने थर्मामीटर रखना है और उसको कहना है कि वो नोज से ब्रीथ करे और लिप्स को क्लोज कर ले, ये बॉडी का कोर टेम्परेचर बताता है। उसके बाद एक्सलरी टेम्परेचर आता है या फिर ग्राइंड, एक्सलरी या फिर ग्राइंड का टेम्परेचर आता है। यहाँ पे थर्मोमीटर लगा सकते हैं या एक्सिला में या ग्राइंड में। सो एक्सिला में हमने प्लेस करना होता है आर्म पिट के नीचे या जो फोल्ड होता है ग्राइंड का। और जो एक्सिलरी टेम्परेचर होता है, इसको ये इम्पोर्टेंट चीज़ है ये नोट कर लो, जो एक्सिलरी टेम्परेचर होता है वो 0.5 to 1 degree Fahrenheit कम होता है एज कम्पेयर टू ओरल टेम्परेचर। सो 0.5 to 1 degree Fahrenheit कम होता है। तो सपोज कर लो अगर इसका 99 आ रहा है तो इसका अगर एक कम कर ले हम, क्योंकि यहाँ वेरिएशन रहता है, तो इसमें 98 degree Fahrenheit रहेगा यहाँ पे। सो एक्सलरी टेम्परेचर जो होता है वो 0.5 to 1 degree Fahrenheit कम होता है एज कम्पेयर टू ओरल टेम्परेचर। ओरल टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, एक्सलरी टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। सो एक्सिला जो दिस एक्सलरी और ग्राइन रीजन, इट शुड बी अवॉइडेड इन अडल्ट, अडल्ट में हम ये अवॉइड करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर लेना। अडल्ट में हम ओरल प्रेफर करते हैं मुंह के रास्ते बुखार चेक करना, एक्सलरी हम जरूरली अवॉइड करते हैं। उसके बाद एक और आता है जहां हम टेम्परेचर देख सकते हैं, वो है रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टल टेम्परेचर, रेक्टम में हम टेम्परेचर देख सकते हैं। ये मोस्ट रिलायबल और मोस्ट एक्यूरेट भी है, मोस्ट रिलायबल और मोस्ट एक्यूरेट भी है, याद रखना मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट एक्यूरेट। एंड इसका जो टेम्परेचर होता है वो 0.5 और 1 degree Fahrenheit ज्यादा होता है, ज्यादा होता है ओरल टेम्परेचर से। सो ओरल टेम्परेचर जितना भी आएगा उसके, अगर सपोज ओरल टेम्परेचर है 98 तो हमारा रेक्टम का टेम्परेचर हो जाएगा 99, यानी कि 0.5 to 1 degree Fahrenheit ज्यादा रहता है ओरल टेम्परेचर के मुकाबले रेक्टल टेम्परेचर, ये याद रखना है। सो एक बार हम देख लें, हमने क्या क्या बताया कि कहाँ सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, रेक्टम में, रेक्टम में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद ओरल टेम्परेचर होता है ज्यादा, उसके बाद आता है हमारा एक्सलरी टेम्परेचर। एक्सलरी 0.5 to 1 degree Fahrenheit कम होता है, 0.5 to 1 degree Fahrenheit कम होता है, और रेक्टम का टेम्परेचर 0.5 to 1 degree ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ओरल टेम्परेचर। सो ये याद रखना है, रेक्टम सबसे ज्यादा, उसके बाद ओरल और उसके बाद एक्सिला, एक्सिला आता है। अब एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, यहाँ पे जो हमारा थर्मामीटर कितनी देर के लिए रखना होता है, 2 से 3 मिनट के लिए, जहां भी हमने रखना है 2 से 3 मिनट के लिए हमने प्लेस करना होता है थर्मामीटर फॉर रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर। आजकल हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है कोर टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं, ये भी काफी एक्यूरेट है और फास्ट रिकॉर्डिंग होता है इसमें भी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हम थर्मामीटर रखते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर हम यूज करते हैं, ये कान में रखा जाता है, ये कान है, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर यूज करके हम बॉडी का कोर टेम्परेचर हम पता कर सकते हैं। सो ये रिसेंट एडवांस है कि हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी यूज कर सकते हैं कोर टेम्परेचर देखने के लिए। अब बात आता है कि बच्चों में हम कौन सी साइट प्रेफर करते हैं, इन्फेंट्स में हम कौन सा साइट प्रेफर करते हैं बॉडी टेम्परेचर देखने के लिए। हम प्रेफर करते हैं एक्जिला या फिर ग्राइन, एक्जिला ग्राइन प्रेफर करते हैं बच्चों में, इन्फेंट्स में।
और अनकॉन्शियस पेशेंट में, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसका बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, मुंह में तो हम डाल नहीं पाएंगे उसके थर्मोमीटर, तो हम उसको एक्सिला या फिर ग्राइन में हम उसका बॉडी टेम्परेचर देखेंगे। अब बात आता है कि ओरल टेम्परेचर अगर किसी का 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्रॉस कर रहा है तो वो पेशेंट फीब्राइल है। ओरल टेम्परेचर अगर 99 से क्रॉस कर रहा है, ओरल अगर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्रॉस कर रहा है तो उसको फीवर है। और वैसे ही अगर एक्जिला का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एक्जिला का अगर क्रॉस कर रहा है, ओरल 99 और एक्जिला का 98.6, एक्जिला का 98.6 क्रॉस कर रहा है तो वो फीवर है। ये भी फीवर है, 98 अगर ओरल है और 99 सॉरी 99 अगर ओरल क्रॉस कर रहा है तो फीवर है, और 98.6 अगर एक्जिला का क्रॉस कर रहा है तो पेशेंट को फीवर है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसका फार्मूला आता है कन्वर्जन फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कन्वर्जन फार्मूला क्या होता है। सेल्सियस को अगर हमने कन्वर्ट करना है, ये हमारा सेल्सियस है, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास फार्मूला आता है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है याद रखना। इसमें हम सेल्सियस को 5 से डिवाइड करना है, इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट -32, और उसको सबको डिवाइड करना है किसे, 9 से। सो सेल्सियस को 5 से डिवाइड करना है और फ़ारेनहाइट -32 को 9 से डिवाइड करना है, तो ये हमारा कन्वर्जन फार्मूला रहता है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। अब हमने टेम्परेचर चेक करने के लिए हमें बैक ऑफ द हैंड ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, ये हमारा हैंड है, हैंड का अगर हम बैक सरफेस लेंगे तो वहाँ से हम टेम्परेचर ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे, मोर सेंसिटिव होता है वो एरिया, तो ये भी आपको याद रखना है। अब ओरल टेम्परेचर कहाँ पे कंट्राइंडिकेटेड, कहाँ पे तुम ओरल टेम्परेचर नहीं ले सकते पेशेंट का, कंट्राइंडिकेशन ऑफ टेकिंग ओरल टेम्परेचर, कंट्राइंडिकेशन ऑफ टेकिंग ओरल टेम्परेचर कहाँ नहीं ले पाएंगे आप ओरल टेम्परेचर बताइए। सबसे पहले हमने बात किया इन्फेंट्स और चिल्ड्रन, मुंह में तो डाल नहीं पाएंगे वो अपना थर्मोमीटर, इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में नहीं लेना हमने ओरल टेम्परेचर। और कौन कौन सी कंडीशन जहाँ पे ओरल टेम्परेचर नहीं लेना है, मेंटली डल पेशेंट, जैसे डाउन सिंड्रोम का पेशेंट आ गया, मेंटली डल है, हम उसमें ओरल टेम्परेचर नहीं ले पाएंगे। कन्वर्जन हो रहे हैं बार बार, फिट्स आ रहे हैं, फिट्स हम ओरल टेम्परेचर नहीं ले पाएंगे, कंट्राइंडिकेशन है। अगर पेशेंट ने चाय लिया हुआ है गरम गरम या कॉफी लिया हुआ है गरम गरम, पेशेंट हैज टेकन हॉट टी हॉट कॉफी, या फिर पेशेंट ने स्मोक किया हुआ है, या पेशेंट ने टोबैको लिया हुआ है, क्योंकि इसमें फॉल्सली हाई टेम्परेचर आ जाएगा, तो अगर कोई गर्म चाय पिया हुआ है गर्म कॉफी पिया हुआ है स्मोक किया हुआ है टोबैको लिया हुआ है, तो हमें ओरल टेम्परेचर नहीं लेना है इस कंडीशन में। या फिर कोई इन्फ्लामेशन है ओरल कैविटी में, उसको पेन होएगा, यानी स्टोमाटाइटिस हो गया, या अल्सर है माउथ में, तो हमने वहाँ पे नहीं लेना टेम्परेचर, स्टोमाटाइटिस हो गया पेशेंट को, ओरल अल्सर हो गया, या फिर इम्पैक्टेड विजडम टूथ है, इम्पैक्टेड टूथ है, तो हमने उसमें नहीं लेना है, तो उसमें हमने ओरल टेम्परेचर नहीं लेना है। और भी कंडीशन है, जैसे किसी को सांस फूल रहा है, डिस्निया हो रहा है, तो हम ओरल टेम्परेचर नहीं ले पाएंगे डिस्निया में। या फिर पेशेंट अनकॉन्शियस है, ओरल टेम्परेचर नहीं ले पाएंगे अनकॉन्शियस पेशेंट में। या फिर पेशेंट को ट्रिसमस है, टटनी है, ट्रिसमस टटनस लॉग जॉ होता है, ट्रिसमस है, तो हम ओरल टेम्परेचर नहीं ले पाएंगे। या फिर टंग पैरालिसिस है, बेल्स पाल्सी है, बेल्स पाल्सी टंग पैरालिसिस अगर हो रखा है तो हम उसका ओरल टेम्परेचर नहीं ले पाएंगे। तो ये सारी कंडीशन जहाँ हमें ओरल टेम्परेचर नहीं लेना है, कहाँ कहाँ पे ओरल टेम्परेचर नहीं लेना है, सो आपको ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओरल टेम्परेचर हम इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में नहीं ले सकते, डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में नहीं ले सकते, दौरे पड़ रहे हैं फिट्स हो रहे हैं नहीं ले सकते, कोई चाय पिया हुआ गर्म गर्म स्मोक किया हुआ है तंबाकू लिया हुआ नहीं ले पाएंगे, पेशेंट को अल्सर है माउथ में, इन्फ्लेम इन्फेक्शन है, स्टोमाटाइटिस हो गया, या फिर इम्पेक्टेड विजडम टूथ है, तो हम नहीं ले पाएंगे उसका ओरल टेम्परेचर। या किसी का सांस फूल रहा है अनकॉन्शियस पेशेंट है, या फिर सांस फूल रहा है उसमें भी नहीं ले पाएंगे ओरल टेम्परेचर। या फिर किसी का ट्रिसमस है, लॉक जॉ है, बेल्स पाल्सी है, टंग पैरालिसिस है, इन सब में हम ओरल टेम्परेचर नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और पूछना चाहूंगा कि
हाइपोथर्मिया के कॉजेस क्या क्या होते हैं, हाइपोथर्मिया, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया के कॉजेस पता होना चाहिए, हाइपोथर्मिया क्या होता है, जब टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाए, सो हाइपोथर्मिया, तो आपको पता होना चाहिए हाइपोथर्मिया के क्या क्या कॉजेज होते हैं, हाइपोथर्मिया के कॉजेस एक बार याद कर लेते हैं, मिक्सडीमा कोमा एक कॉज रहता है हाइपोथर्मिया का। इसके बाद अगर किसी को प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू कोल्ड है, फॉर एग्जाम्पल जो भिखारी होते हैं वो ठंड में पड़े रहते हैं बाहर, स्ट्रीट बैगर जिसे कहते हैं, उनमें हाइपोथर्मिया का रिस्क रहता है, एल्डरली में रहता है, या फिर जो माउंटेनियर है जो पहाड़ में चढ़ते हैं ठंड में, उनमें रिस्क रहता है हाइपोथर्मिया का। सो कौन कौन से एक बार देख लें, बैगर्स, एल्डरली, या फिर माउंटेनियर्स, माउंटेनियर जो माउंटेन में चढ़ते हैं, माउंटेनियर्स, टीनियर्स जो माउंटेन में चढ़ते हैं, उन सब में हाइपोथर्मिया का रिस्क रहता है। मिक्सडीमा कोमा में तो बता दिया मैंने, इसके अलावा और क्या कॉजेज होते हैं जहाँ पे हाइपोथर्मिया हो सकता है, यहाँ सर्कुलेटरी फेलियर हो गया किसी भी रीजन से, पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर, यानी कि ब्लड वॉल्यूम अच्छे से नहीं पहुंच रहा है, सो उसमें पेरिफेरीज कोल्ड हो जाती है, जैसे कार्डियोजेनिक शॉक हो गया तो उसमें भी हाइपोथर्मिया हो जाता है, मिक्सडीमा कोमा में हो जाता है, बैगर्स, एल्डरली, माउंटेनियर्स बता चुका हूँ, पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर आपको याद रखना है, एंट्रिक फीवर में अगर हैमरेज या परफोरेशन हो जाए, थर्ड वीक में यूजली ये होता है कि एंट्रिक फीवर में हैमरेज और परफोरेशन हो जाता है इंटेस्टाइन का, सो उसमें भी हाइपोथर्मिया का रिस्क रहता है, एंट्रिक फीवर जिसमें थर्ड वीक में परफोरेशन होता है, हैमरेज होता है इंटेस्टाइन में, तो उसमें रिस्क रहता है कि हाइपोथर्मिया पेशेंट चला जाएगा, तो थर्ड वीक एंट्रिक फीवर का याद रखो, कभी भी थर्ड वीक आए तो अगर पेशेंट हाइपोथर्मिया में है, पेशेंट का टेम्परेचर देख रहे हो बहुत कम आ रहा है, तो आपको सस्पेक्ट करना है कि पेशेंट को परफोरेशन तो नहीं हो गया, कि इसका टेम्परेचर क्यों फॉल कर रहा है। उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया में शुगर डाउन हो गया पेशेंट का, हाइपोग्लाइसीमिया में हाइपोथर्मिया हो सकता है, ये याद रखना है। इसके बाद पैन हाइपोपिच्यूटरीज़म, वेरी इंपॉर्टेंट, पैन हाइपोपिच्यूटरी के सारे हार्मोन्स कम हो गया, पैन हाइपोपिच्यूटरीज़म या फिर एड्रिनल इनसफिशिएंसी, एड्रिनल स्टेरॉइड्स कम हो गया बॉडी में, हाइपोपिच्यूटरीज़म हो गया, पैन हाइपोपिच्यूटरीज़म, एड्रिनल इनसफिशिएंसी, हाइपोग्लाइसीमिया, ये सब इंपॉर्टेंट कॉज है जिसकी वजह से तुम्हारा हाइपोथर्मिया हो सकता है। इसके अलावा और भी कॉजेज याद रखते हैं, आर्टिफिशियल हाइपोथर्मिया हम करते हैं अगर ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हैं, आर्टिफिशियल हाइपोथर्मिया अगर ओपन हार्ट सर्जरी हो रहा है किसी को, हम उसका हार्ट खोलेंगे तो आर्टिफिशियल हाइपोथर्मिया हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई डूब गया है, नियर ड्राउनिंग में हाइपोथर्मिया हो जाता है, नियर ड्राउनिंग में, या फिर किसी को हम सीडेटिव्स दे रहे हैं या फिर हिप्नोटिक्स ओवरडोज सीडेटिव्स दे रहे हैं, नियर ड्राउनिंग, इन सब में हाइपोथर्मिया हो सकता है। इसके अलावा ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन इन सब में भी हाइपोथर्मिया हो सकता है, और हाइपोथर्मिया को हमेशा रेक्टल टेम्परेचर से कंफर्म करना चाहिए हाइपोथर्मिया को। सो हम देखें क्या क्या कॉजेज बताए हमने, पेशेंट को ठंडा पड़ गया, टेम्परेचर 95, हमने थर्मोमीटर लगाया और टेम्परेचर आ रहा है 94, 93, 92, तो आपको ये कॉजेज सोचने जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैंने बताया अभी, मिक्सडीमा सोचना है, थायराइड प्रोफाइल करवा के देखना है उसका, हिस्ट्री लेना, कहीं वो बैगर तो नहीं है, कहीं वो क्लाइम तो नहीं करता है पहाड़ियों में, या फिर उसका बीपी देख लेना कि कहीं सर्कुलेटरी फेलियर तो नहीं हो गया, कार्डियोजेनिक शॉक में तो नहीं है पेशेंट, जो उसका टेम्परेचर इतना कम आ रहा है, ये देखना कोई फीवर तो नहीं था, एंट्रिक फीवर का थर्ड वीक तो नहीं है, कहीं उसको परफोरेशन ना हो गया हो इंटेस्टाइन में इसलिए टेम्परेचर कम आ रहा है, या फिर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया हो, पेशेंट को शुगर डाउन हो गया हो, टेम्परेचर इतना कम क्यों आ रहा है, शुगर तो नहीं कम हो गया, पैन हाइपोपिच्यूटरीज़म, एड्रिनल इनसफिशिएंसी, टेम्परेचर कम आ रहा है, एड्रिनल इनसफिशिएंसी, पैन हाइपोपिच्यूटरीज़म याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल हाइपोथर्मिया चलो इसमें तो सर्जरी का हिस्ट्री रहेगा, इजी है, नियर ड्राउनिंग का भी चलो कॉमन सेंस लगा लेता है कि पेशेंट ड्राउन हुआ है तो टेम्परेचर कम हो सकता है, नियर ड्राउनिंग, इसके अलावा ड्रग्स, सीडेटिव्स, हिप्नोटिक्स और ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन कुछ भी है तो उसमें हाइपोथर्मिया मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फर्म कैसे करना है रेक्टल टेम्परेचर लेके। ये था हाइपोथर्मिया कॉजेज, अब हाइपरपायरेक्सिया के कॉजेज, हाइपरपायरेक्सिया कब कहते हैं, कितना टेम्परेचर, हाइपरपायरेक्सिया कितना टेम्परेचर ऊपर होगा, 106.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होगा तभी हाइपरपायरेक्सिया कहते हैं, तो तुम्हें इसके कॉजेस पता होना चाहिए, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हाइपरपायरेक्सिया, हाइपोथर्मिया था 95 से नीचे, 106.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हाइपरपायरेक्सिया।
अब हाइपरपेरेक्सिया के कॉजेस तुम्हें पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉजेज है वैसे तो, हम कुछ याद रखते हैं जैसे मलेरिया, मलेरिया में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, मलेरिया हाइपरपेरेक्सिया होता है मलेरिया में। सेप्टिसीमिया में होता है, सेप्टिसीमिया में अगर पेशेंट है, सेप्टिसीमिया में पेशेंट को हाइपरपेरेक्सिया होता है, मलेरिया में होता है, एनसेफलाइटिस में होता है, एनसेफलाइटिस एनसेफलाइटिस। इसके बाद लोबार निमोनिया, लोबार निमोनिया, पोन्टाइन हेमरेज, पोन्टाइन हेमरेज, ये दो ब्रेन वाले, एनसेफलाइटिस, पोन्टाइन हेमरेज। इसके बाद लंग्स में लोबार निमोनिया, इसके बाद ये मलेरिया हो गया, मलेरिया में, सेप्टिसीमिया में, इन सब में हाइपरपरेक्सिया होता है, लोबार निमोनिया, पोन्टाइन हेमरेज, एनसेफलाइटिस, सेप्टिसीमिया, मलेरिया, इन सब में क्या होता है, हाइपरपरेक्सिया। इसके अलावा और भी कॉजेज होते हैं जो आपको याद रखना है, हीट स्ट्रोक में भी हाइपरपरेक्सिया होता है, हीट स्ट्रोक में भी हाइपरपरेक्सिया होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है हीट स्ट्रोक में। इसके अलावा मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जो हेलोथेन करता है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कौन करता है, हेलोथेन, इसमें भी आपको हाइपरपरेक्सिया मिलता है, हेलोथेन से होता है। इसके अलावा थायराइड स्टॉम, थायराइड स्टॉम में भी हाइपरपरेक्सिया होता है। इसके बाद न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, न्यूरोलेप्टिक एनएमएस, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम जो किससे होता है, हेलोपेरिडोल से, हेलोपेरिडोल इंड्यूस। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया किससे हो रहा था, हेलोथेन से, हेलोपेरिडोल से, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, हेलोपेरिडोल। इसके अलावा धतूरा पॉइजनिंग में भी हाइपरपरेक्सिया होता है, धतूरा एज हॉट एज ये निमोनिक रहता है, धतूरा में हॉट हो जाता है पेशेंट, हॉट। सो धतूरा पॉइजनिंग में भी हाइपरपेरेक्सिया होता है। इसके अलावा सीरोटोनिन सिंड्रोम होता है जो एसएसआरआई से होता है, एसएसआरआई से या माओ इनहिबिटर से होता है, माओ इनहिबिटर एसएसआरआई सीरोटोनिन सिंड्रोम करते हैं, इसमें भी हाइपरपेरेक्सिया होता है पेशेंट को। इसके अलावा ड्रग इंड्यूस्ड हाइपरपेरेक्सिया होता है, ड्रग इंड्यूस्ड कौन सा ड्रग, जैसे एम्फेटामिन्स, ड्रग इंड्यूस्ड एम्फेटामिन्स, इन सब में हाइपरपेरेक्सिया होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज है जो मैंने मेंशन किया है, इसको एक बार फिर से देखने, याद करने की कोशिश करते हैं किसी तरीके से याद कर पाए। ये तो मैंने मलेरिया बना लिया है, मॉस्किटो बना लिया है तो मलेरिया में होता है, ये मैंने सर्कुलेशन बना लिया है तो सेप्टिसीमिया में होता है, ये मैंने ब्रेन बना लिया तो एनसेफलाइटिस में होता है, ये मैंने लंग्स बना लिया तो लोबार निमोनिया में होता है, या फिर से ब्रेन बना लिया तो पोन्टाइन हेमरेज में होता है। इसके अलावा अगर हीट स्ट्रोक में हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे सूरज बना लूँ, सन बना लूँ, तो हीट स्ट्रोक में हो सकता है हाइपरपरेक्सिया। इसके बाद मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जो दवाई से होता है, ये मैंने ड्रग बना लिया, हेलोथेन बना लिया, हेलोथेन से मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है। इसके बाद अगर मैं थायराइड ग्लैंड बना लूँ यहाँ पे, तो थायरॉइड स्टॉम में हो सकता है। इसके बाद ड्रग, अगेन ड्रग बना लूँ एक, ये हेलोपेरिडोल कर सकता है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। इसके बाद ये पॉइजन बना लिया, धतूरा पॉइजनिंग में भी कभी कभी हाइपरपरेक्सिया होता है। इसके बाद कुछ और ड्रग्स हैं जैसे सेरोटोनिन और ये माओ इनहिबिटर, इनमें से सेरोटोनिन सिंड्रोम होता है जिसमें भी पेशेंट को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर एम्फेटामिन्स, ड्रग इंड्यूस्ड में एम्फेटामिन्स भी आता है। सो ये हाइपरपरेक्सिया करते हैं, ये याद रखना है। अब मैं कॉजेस ऑफ एसेप्टिक फीवर क्या होता है तो मैं ये बताना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। सो आप ये याद रखो, व्हाट इज एसेप्टिक फीवर, एसेप्टिक फीवर मींस पेशेंट को फीवर है बट इन्फेक्शन नहीं है, देयर इज नो इन्फेक्शन, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन नहीं है बट पेशेंट को फीवर है, तो उसको कहते हैं एसेप्टिक फीवर। नो इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कुछ भी नहीं है लेकिन पेशेंट को फीवर आ रहा है। सो एसेप्टिक फीवर के कॉज तुम्हें पता होना चाहिए कि इन्फेक्शन नहीं है, यानी कि नॉन इन्फेक्शियस कॉज ऑफ फीवर तुम्हें आया पता होना चाहिए कि इन्फेक्शन नहीं है तो पेशेंट को फीवर आ रहा है, दैट इज एसेप्टिक फीवर के कॉजेस। इन्फेक्शन नहीं है फिर भी फीवर आ रहा है तो उसमें याद रखना है आपको हीट स्ट्रोक, इन्फेक्शन नहीं होता हीट स्ट्रोक में लेकिन पेशेंट को फीवर आ रहा है। लिम्फोमा लिक्यूमिया, इन्फेक्शन नहीं है कैंसर है फिर भी फीवर आ रहा है, या फिर कोई लिम्फोमा लिक्यूमिया के अलावा, या फिर डिसेमिनेटेड मैलिग्नेंसी कोई है उसमें भी पेशेंट को फीवर होता है बट इन्फेक्शन नहीं होता। वैसे ही अलग और कंडीशन जैसे हम याद कर लें, कोलेजन वास्कुलर डिजीज जैसे एसएलई, कोलेजन वास्कुलर डिजीज जैसे एसएलई। इसके अलावा पोन्टाइन हेमरेज। इसके अलावा ड्रग्स फीवर जैसे रिफैम्पिसिन और सल्फोनामाइड करते हैं, रिफैम्पिसिन और सल्फोनामाइड, इसमें इन्फेक्शन नहीं होता बट फीवर होता है। इसके अलावा थायराइड स्टॉम या फिर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर गाउट,
या फिर पोरफायरिया या फिर रेडिएशन सिकनेस, इन्फेक्शन नहीं है बट टेम्परेचर आ रहा है, रेडिएशन सिकनेस या फिर ओवर एट्रोपनाइजेशन। ओवर अगर एट्रोपन किसी को ज्यादा दे लें तो उसको भी एसेप्टिक फीवर होता है, इन्फेक्शन नहीं होता बट उसको बिना इन्फेक्शन के पेशेंट को फीवर आता है, दैट इज एसेप्टिक फीवर। एक बार फिर से कॉजेज देखने, बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है एसेप्टिक फीवर के, तो तुम्हें पता होना चाहिए कॉजेज। हीट स्ट्रोक, पेशेंट को हीट स्ट्रोक हो गया, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, डिसेमिनेटेड मैलिग्नेंसी, कोलेजन वास्कुलर डिजीज जैसे एसएलई, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, वैसे पॉन्टाइन हेमरेज, ड्रग्स जैसे रिफैम्पिसिन, सल्फोनामाइड, वैसे थायराइड स्टॉर्म, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, गाउट कर सकता है एसेप्टिक फीवर, माइकॉइड इन्फेक्शन कर सकता है, थायराइड स्टॉर्म में एसेप्टिक फीवर कर सकता है, पोरफायरियास कर सकते हैं एसेप्टिक फीवर, रेडिएशन सिकनेस में एसेप्टिक फीवर होता है, ओवर एट्रोपनाइजेशन में भी एसेप्टिक फीवर होता है। ओके, तो ये सारे काज आपको याद रखने हैं। वैसे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, फीवर है पेशेंट को और ल्यूकोसाइटोसिस हो रहा है, पेशेंट है फीवर और टीएलसी बढ़ा हुआ है, टीएलसी बढ़ा हुआ है लेकिन इन्फेक्शन नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है कोई भी, फीवर है, टीएलसी बढ़ा हुआ है लेकिन इन्फेक्शन नहीं है, यानी फीवर विद ल्यूकोसाइटोसिस बट नो इन्फेक्शन। उसके कुछ कॉजेज होते हैं वो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। फीवर है, टीएलसी बढ़ा हुआ है लेकिन इन्फेक्शन नहीं। पहला काज एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, इन्फेक्शन नहीं है, पेशेंट को फीवर है, टीएलसी बढ़ा हुआ है, इन्फेक्शन नहीं है, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और गाउट, और गाउट। सो ये फिर से रिपीट करता हूँ मैं कॉजेस। सो पेशेंट को फीवर है, फीवर हो रहा है और हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और उसमें टीएलसी बढ़ा हुआ है लेकिन कल्चर में कुछ आ नहीं रहा, इन्फेक्शन कोई हमें मिल नहीं रहा, फीवर है बट टीएलसी बढ़ा हुआ, तो तुम्हें ये याद रखना है कि एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, गाउट। गाउट में पेशेंट को फीवर होता है, टीएलसी बढ़ा हुआ रहता है बट इन्फेक्शन नहीं मिलता है, सो ये इंपॉर्टेंट कॉजेज है, पैनक्रियाटाइटिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डीके ए या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और गाउट, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखना है। फीवर है, टीएलसी बढ़ा हुआ बट इन्फेक्शन नहीं है। अब हमें कुछ ऐसे कॉजेज बताने हैं जिसमें पेशेंट को फीवर होता है और उसका जो कॉन्शियसनेस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, फीवर विद डिस्टर्ब कॉन्शियसनेस, फीवर विद डिस्टर्ब कॉन्शियसनेस, इज डिस्टर्ब और पेशेंट को फीवर है, फीवर विद डिस्टर्ब कॉन्शियसनेस, फीवर विद डिस्टर्ब कॉन्शियसनेस, सो कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब मीन्स ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है और ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट के साथ पेशेंट को फीवर आ रहा है। सबसे पहले हम कुछ कॉजेज याद रख सकते हैं जिसमें फीवर और डिस्टर्ब, ऐसे एनसेफलाइटिस आता है इसमें, एनसेफलाइटिस, इसके अलावा सेरिब्रलर मलेरिया, मलेरिया, एनसेफलाइटिस, मेनिनजाइटिस, 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 इसके बाद आता है फीवर विच इज बीइंग कॉम्प्लिकेटेड बाय मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल हाइपोग्लाइसीमिया, पेशेंट को फीवर है और हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, उसमें कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो रही है, फीवर विद डिस्टर्ब कॉन्शियसनेस, और इसमें हाइपोग्लाइसीमिया भी आता है। सो अभी तक हमने क्या कॉजेस पढ़ा, डिस्टर्ब कॉन्शियसनेस के साथ फीवर, एनसेफलाइटिस, मलेरिया, मेनिनजाइटिस, हाइपोग्लाइसीमिया, इसके बाद टाइफाइड स्टेट, जो टाइफाइड में मिलती है, टाइफाइड स्टेट, टाइफाइड स्टेट, इसमें भी फीवर होता है, कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब होती है, टाइफाइड स्टेट, टाइफाइड स्टेट। वैसे ब्रेन एब्सेस, फीवर है और कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब है, ब्रेन एब्सेस, ब्रेन एब्सेस, ब्रेन एब्सेस, टाइफाइड स्टेट, ब्रेन एब्सेस, सीवीए विद फीवर, सीवीए हो सकता है पेशेंट को और पेशेंट को फीवर हो गया, सीवीए, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट विद फीवर, यानी कोई चेस्ट इन्फेक्शन ले लिया उसने, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया और पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट तो है ही। रेयरली इन तेतुरा पॉइजनिंग में भी फीवर होता है और कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब होती है, तेतुरा पॉइजनिंग एंड सेप्टिसीमिया, सेप्सिस, सेप्सिस एसोसिएटेड एनसेफलोपैथी, दिस इज ऑल्सो देयर सेप्सिस। सो फीवर विद डिस्टर्ब कॉन्शियसनेस के कॉजेस, एक बार मैं इसको अंडरलाइन करूँ, एनसेफलाइटिस, सेरेब्रल मलेरिया, मेनिनजाइटिस, हाइपोग्लाइसीमिया, टाइफाइड स्टेट, ब्रेन एब्सेस, सीवीए विद फीवर, यानी उसमें चेस्ट इन्फेक्शन के साथ उसको कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है, धतूरा पॉइजनिंग समटाइम्स एंड सेप्सिस।
सेप्सिस नहीं, सेप्सिस एसोसिएटेड इंसेफलोपैथी, इनसे हमें फीवर होता है, डिस्टर्ब्ड कॉन्शियसनेस होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं हम, हेक्टिक टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट इज हेक्टिक टेम्परेचर, हेक्टिक हेक्टिक टेम्परेचर, तो मैं इसके बारे में बताऊं चाहिए, हेक्टिक टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट इज हेक्टिक टेम्परेचर, हेक्टिक टेम्परेचर होता है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो टेम्परेचर में बहुत ज्यादा स्विंग होता है, बिग स्विंग इन द टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर बढ़ता है और पेशेंट को उस टाइम चिल्स और राइगर्स होते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है चिल्स और राइगर्स होते हैं, एंड उसके बाद ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, चिल्स और राइगर्स हो रहा है, उसके बाद टेम्परेचर वहां पे परसिस्ट करता है कुछ घंटों के लिए, फ्यू आवर्स के लिए परसिस्ट करता है, एंड सडनली उसके बाद गिरता है टेम्परेचर, बुखार गिरता है और पेशेंट को स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, परफ्यूज स्वेटिंग, स्वेटिंग स्टार्ट हो गया। सो हेक्टिक टेम्परेचर इज द टेम्परेचर, देयर इज अ बिग स्विंग इन द टेम्परेचर, द टेम्परेचर राइजेस विद चिल्स एंड राइगर्स एंड रिमेन्स फॉर फ्यू आवर्स एंड देन फॉल्स विद परफ्यूज स्वेटिंग। सो टेम्परेचर चिल्स एंड राइगर्स के साथ स्टार्ट होता है और कुछ देर के लिए टेम्परेचर बना रहता है, उसके बाद जब टेम्परेचर फॉल होता है, उस टाइम जब वो टेम्परेचर का फॉल करते हैं, फॉलिंग के टाइम पेशेंट को परफ्यूज स्वेटिंग जो होता है, पसीना जो आता है, सो उसको बेसिकली हम हेक्टिक टेम्परेचर कहते हैं, हेक्टिक टेम्परेचर। सो इसके कॉजेज बताना चाहिए कि ऐसे कौन से कॉजेज हैं जिसमें पेशेंट को फीवर हो रहा है और जब फीवर टूट रहा है, जब फॉल कर रहा है फीवर, उस टाइम पेशेंट को इतना ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है। सो आपने वार्ड्स में देखे होंगे पेशेंट को जब बुखार टूटता है, इतना सारा पसीना आता है, बहुत सारा पसीना आता है, तो उनके अलग कॉजेज होते हैं, तो उसमें वो हेक्टिक टेम्परेचर के कॉजेज आपको याद रखना है। जब पेशेंट को वार्ड में देखोगे वो कहता है डॉक्टर साहब जैसे ही मेरा बुखार टूटता है मेरे को पसीना ही पसीना आ जाता है, तो उस कंडीशन में आपको कौन कौन से कॉज आते हैं वो पता होना चाहिए कि जैसे पेशेंट को बुखार पसीने के साथ टूटता है तो उसमें कौन कौन से कॉज आते हैं, यानी कि हेक्टिक टेम्परेचर की उस टाइम बात हो रही है, तो उसमें आपको कॉजेज पता होना चाहिए हेक्टिक टेम्परेचर की। हेक्टिक टेम्परेचर के कॉजेज में सबसे पहले रहता है कि कहीं भी पस है, पस कहीं भी बॉडी में, जैसे पेंट अप पस एनीवेयर इन द बॉडी, पेंट अप पस, पस कहीं भी है शरीर इन द बॉडी, वो लंग में हो सकती है जिसे हम लंग एब्सेस कहते हैं, या पल्मोनरी कैविटी में होती है जिसे हम एम्फाइमा थोरेसिस कहते हैं, ये कैविटी होती है यहाँ पे हो सकती है, लंग में हो सकती है, इसके अलावा अब्सेस जो हो सकती है वो हमारे गाल ब्लैडर में हो सकती है जिसे हम गाल ब्लैडर एम्फाइमा कहते हैं, एम्फाइमा ऑफ द गाल ब्लैडर गाल ब्लैडर में हो सकती है, गाल ब्लैडर में हो सकती है, लंग्स में हो सकती है लंग अब्सेस, पल्मोनरी कैविटी में हो सकती है जिसे हम एम्फाइमा थोरेसिस कहते हैं, इसके अलावा लीवर में हो सकती है जिसे हम लीवर अब्सेस कहते हैं, या फिर डायफ्राम के नीचे हो सकते हैं जैसे सब डायफ्रामेटिक अब्सेस कह सकते हैं। सो अब्सेस अगर कहीं पर भी है दैट विल कम अंडर योर हेक्टिक टेम्परेचर, उसमें जब बुखार टूटता है तो पेशेंट को पसीने आते हैं, पस कहीं पर भी अगर होगी तो पेशेंट को बुखार टूटने के साथ पसीने आएंगे। इसके अलावा सेप्टिसीमिया या पाइमिया, यानी कि सेप्टिसीमिया या पाइमिया यानी कि पस अगर सर्कुलेट कर रही है बॉडी में कहीं पर सर्कुलेट कर रही है पस, या फिर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में भी आपको हेक्टिक टेम्परेचर मिलता है, सेप्सिस या पाइमिया में हेक्टिक टेम्परेचर मिलता है, पाइमिया। एंड कभी कभी क्या होता है कि एडवांस ट्यूबरकुलोसिस, एडवांस ट्यूबरकुलोसिस या उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है जब बुखार टूटता है, टीबी में भी स्वेटिंग होता है जब बुखार टूटता है। सो बस कहीं पर भी हो, सेप्सिस, पाइमिया, सेप्टिसीमिया, एडवांस ट्यूबरकुलोसिस, ये सभी कॉजेज हैं जब बुखार टूटता है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा पसीने आते हैं, दैट इज हेक्टिक टेम्परेचर। सो ये पता होना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट चीज आती है कि फीवर, ऐसे फीवर के कॉजेज बताओ जिसमें पेशेंट को चिल्स और राइगर होते हैं, चिल्स एंड राइगर होते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फीवर्स विद चिल्स एंड राइगर्स, काफी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, What are the causes of fever in which patients having chills and rigors? तो सबसे important और काफी बार देखा जाता है मलेरिया, मलेरिया में भी chills और rigors होते हैं। इसके बाद urinary tract infection, UTI जैसे short form में कहते हैं, urinary tract infection में भी chills और rigors होते हैं। वैसे अभी हमने ऊपर discuss किया था hectic temperature, जिसमें हमने याद किया कि pus कहीं पर भी हो, pus anywhere,
पैक्ड अप एनीवेयर, इट कुड बी लंग अब्सेस, लीवर अब्सेस, गॉलब्लैडर पाइमाथोरेसिस, सब डायफ्रामेटिक अब्सेस, बस कहीं पर भी आज चील्स और राइगर्स आएंगे। इसके अलावा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया सेप्टिसीमिया, पाइमिया एंड एडवांस्ड ट्यूबरकुलोसिस, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया सेप्टिसीमिया, पाइमिया एंड एडवांस्ड ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा और कॉजेस क्या रहते हैं जिनमें चील्स और राइगर्स होते हैं, हमने याद रखा कोलेंजाइटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोलेंजाइटिस में भी चील्स और राइगर्स होते हैं। इसके बाद सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। इसके बाद थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, यानी कि वेन्स की इन्फ्लेमेशन हो गया, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में भी चील्स और राइगर्स आते हैं। इसके बाद एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, किडनी में इन्फेक्शन हो गया, पाइलोनेफ्राइटिस में भी चील्स और राइगर्स आते हैं। इसके बाद एक्यूट लोबार निमोनिया याद रखना है, लोबार निमोनिया में भी चील्स और राइगर्स आते हैं। लोबार निमोनिया ए ग्रैनुलोसाइटोसिस जो हमें मिलता है किसके बाद, कार्बामाजोल के बाद या फिर कारामेजेपिन के बाद, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस में भी चील्स और राइगर्स होते हैं, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस के। इसके बाद पायरोजेनिक रिएक्शन अगर किसी की भी हो जाए आफ्टर फ्लूइड इन्फ्यूजन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद, अगर फ्लूइड किसी को दिया है हमने बोतल चढ़ाने ग्लूकोज की या आरएल की या एनएस की, उसके बाद रिएक्शन हो जाए या फिर ब्लड चढ़ाने का रिएक्शन हो जाए, उसमें भी चील्स और राइगर्स आते हैं, ये याद रखना है। और फिलेरियासिस, ये सारे कॉजेज रहते हैं जिसमें चील्स और राइगर्स आते हैं। तो तीन तो हमें पता ही होते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे मलेरिया वी नो दैट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन पस कहीं पर भी है, सेप्टिसीमिया, पाइमिया, एडवांस ट्यूबरकुलोसिस, कोलेंजाइटिस, सबएक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, थ्रोम्बोफिलाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, लोबार निमोनिया, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर आफ्टर फ्लूइड इन्वर्सेशन और फिलेरियासिस में, इसमें कहीं पे भी अगर ऐसे टर्म्स हो तो उसमें चील्स एंड राइगर्स रहते हैं, चील्स एंड राइगर्स रहते हैं। अब हमें पता चाहिए कि पैथोजेनेसिस चील्स और राइगर्स की कैसे होती है, पैथोजेनेसिस ऑफ चील्स एंड राइगर्स, ये थोड़ा सा देख लें, पता होना चाहिए पैथोजेनेसिस कैसे होती है चील्स और राइगर्स की। सो ये बेसिकली सब थर्मोस्टैट पे बेस्ड रहता है, हमारा थर्मोस्टैट कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस पे, ये सब थर्मोस्टैट पे बेस्ड है। सो ये हमारा हाइपोथैलेमस है, सपोज दिस इज द हाइपोथैलेमस, ये थर्मोस्टैट है, यहाँ पे रहता है। सो होता क्या है कि हमारे पास सपोज करो अगर किसी को बॉडी फीवर आ गया तो थर्मोस्टैट क्या होता है, सपोज दिस इज ये नॉर्मल लेवल है, और थर्मोस्टैट अगर किसी को टेम्परेचर हो गया तो थर्मोस्टैट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया, यानी कि हायर टेम्परेचर पे हमारा थर्मोस्टैट सेट हो गया, यानी कि यहाँ का हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर हाई चला गया। तो इसमें होता क्या कि ये अगर हमारा हाइपोथैलेमस है, या ब्रेन पर ड्रा करूँ अगर ये हाइपोथैलेमस है तो हमारा, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर है, ये अगर मैं सर्कुलेशन ड्रा करूँ तो बॉडी क्या करती है कि इस टेम्परेचर तक लेके जाती है, हमारी बाकी सर्कुलेशन का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ना शुरू होता है ताकि वो इधर तक पहुंच जाए। तो ये कैसे बढ़ेगी, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है वो कंस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देती है, अपने आप को कंस्ट्रिक्ट कर दिया, दब जाती है, ठीक है, ताकि जो ब्लड जितना भी है वो हीट जितना भी लॉस हो रहा है वो कंजर्व हो जाए, हीट जो है वो कंजर्व हो जाए ताकि हमारा बॉडी का अंदर का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जितना हाइपोथैलेमस का स्टैट सेट हुआ है वहां तक पहुंच जाए। तो इससे क्या होता है कि हमारी पेरिफेरी कंस्ट्रिक्ट हो गई, पेरिफेरी कंस्ट्रिक्ट हो गई या पेरिफेरी में ब्लड जाना कम हो गया, तो उससे क्या होता है कि पेशेंट को ठंड लगना शुरू हो जाता है। तो जब ये कंस्ट्रिक्ट हो गई, यहाँ पे पेशेंट को ठंड लगना शुरू हो जाएगा, तो पेशेंट को क्या होगा, शिवर होगा, पेशेंट को शिवरिंग को हम कहते हैं राइगर्स, यहाँ पे पेशेंट को शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगा, शिवरिंग को हम कहते हैं राइगर्स। सो ये राइगर्स की पैथोजेनेसिस। सो राइगर्स कैसे होता है, एक बार मैं इधर डायग्राम बना के दिखाऊं, राइगर्स मीन्स शिवरिंग होना स्टार्ट हुआ। शिवरिंग कब होगा, ये अगर ब्लड वेसल है जो हमारी पेरिफेरी में सप्लाई कर रही थी, ये ब्लड वेसल ऐसे हो जाएगी ताकि जो हीट है, जो ये वाला हमारा नॉर्मल थर्मोस्टैट था, यानी कि यहाँ पहुंच गया है टेम्परेचर, यहाँ से यहाँ चला गया है टेम्परेचर, बढ़ गया है। अब इसको बढ़ाने के लिए हमें पेरिफेरी को
पेरिफेरी का हमने कंस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि ब्लड जो है वो सारा का सारा अंदर कंजर्व होगा, तो बॉडी का टेम्परेचर उससे बढ़ता जाएगा, इससे बाहर ब्लड कम जाएगा, उससे पेरिफेरी हमारी कोल्ड पड़ जाएगी, तो पेशेंट को शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो शिवरिंग को हम क्या कहते हैं, राइकर्स, राइकर्स। एंड पेशेंट फील्स कोल्ड एंड द पेशेंट में इवन शिवर एंड दिस शिवरिंग इज नोन एज द राइकर, ये पता होना चाहिए आपको। अब उसके बाद इसका अपोजिट अगर कर ले हम, अपोजिट हम कर रहे हैं, अगर सपोज ये थर्मोस्टैट था, अब टेम्परेचर फॉल हो गया, थर्मोस्टैट यहाँ पे आ गया, अब थर्मोस्टैट यहाँ से यहाँ पे आ गया, अब होगा क्या कि अब टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर हमें यहाँ का भी कम करना है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे ताकि जितना भी ब्लड था वो पेरिफेरी में जाए, वेजो डायलेशन हो जाएगा, यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा था, यहाँ पे वेजो डायलेशन हो जाएगा ताकि ब्लड पेरिफेरी में जाएगा। अब जब ब्लड पेरिफेरी में जाएगा तो यहाँ का टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, सेंटर का, जैसे सेंटर टेम्परेचर हाइपोथर्मस का, तो वो बाहर चल जाएगा ब्लड वेजो डायलेशन की वजह से, तो बाहर जाता जाएगा सारा का सारा टेम्परेचर, उससे क्या होगा पेशेंट को गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो पेशेंट विल फील कोल्ड, बाहर जाएगा पेशेंट विल फील कोल्ड, पेशेंट विल फील हॉट, आई एम सॉरी, उसको गर्मी, उसको ठंड नहीं, उसको गर्मी लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड जो है वो बाहर आना शुरू हो गया, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर, अब अंदर का कोर टेम्परेचर कम हो गया, सो वो बाहर ब्लड जाना शुरू हो जाएगा, पेशेंट को हॉटनेस फील होगा और पेशेंट को स्वेटिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, स्वेटिंग आएगा, पेशेंट को स्वेटिंग होगा। So, ये थोड़ा पैथोजन राइकर्स और चिल्स और स्वेटिंग होता है बाद में। सो ये थोड़ा मैकेनिज्म रहता है कैसे होता है पेशेंट को राइकर्स और चिल्स। अब हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि टेम्परेचर जो फॉल होता है, एक बाय दो तरीके से टेम्परेचर फॉल होता है, एक होता है फॉल बाय क्राइसिस और दूसरा होता है फॉल बाय लाइसिस, फॉल बाय क्राइसिस और फॉल बाय राइसिस। इसमें जो फॉल होता है टेम्परेचर का वो 6 से 12 घंटे में फॉल होता है और इसमें स्लोली फॉल होता है ओवर डेज, ओवर सेवरल डेज, ये सेवरल डेज में फॉल हो रहा है लाइसिस। ज्यादातर टेम्परेचर जो होता है वो कुछ समय लेते हैं, सेवरल डेज लेते हैं फॉल करने में, सो ज्यादातर जो टेम्परेचर फॉल होता है वो फॉल करता है बाय लाइसिस। ओके, ये पता होना चाहिए। तो जो फॉल ऑफ टेम्परेचर होता है उसको क्या कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं डेफर्विसेंस। फॉल ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज फॉल ऑफ टेम्परेचर, उसको कहते हैं डेफर्विसेंस, डेफर्विसेंस, डेफर्विसेंस इज फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डेफर्विसेंस। और डेफर्विसेंस दो तरह का होता है, एक फॉल बाय लाइसिस डेफर्विसेंस होता है और फॉल बाय क्राइसिस। सो फॉल बाय क्राइसिस क्या होता है कि जैसे सपोज करो ये टेम्परेचर हमारा चल रहा है, टेम्परेचर एकदम नॉर्मल या फिर सब नॉर्मल, सडनली फॉल करता है वेरी क्विकली विद इन 6 to 12 hours, विद इन 6 to 12 hour नॉर्मल या फिर सब नॉर्मल लेवल पे चला गया हमारा टेम्परेचर जो था, जब वो उतरना स्टार्ट हुआ वो नॉर्मल या सब नॉर्मल चला गया विद इन 6 to 12 hours, that is fall by crisis। वैसे ही हमारा temperature जो fall हुआ gradually fall हुआ temperature over several days is known as, ऐसे करके fall हो रहा है, is known as fall by lysis। So fall by crisis suddenly drop हुआ temperature within 6 to 12 hours और fall by lysis is several days लग गया उसको fall होने में। So हमें causes पता होना चाहिए, एकदम बुखार किस में कम हो जाता है, तो fall by crisis किस में होता है और fall by lysis किस में होता है। एकदम फॉल हो रहा है अगर बॉडी टेम्परेचर का, तो आपको काफी याद रखना है लोबार निमोनिया में एकदम फॉल करता है, लोबार निमोनिया का टेम्परेचर फॉल बाय क्राइसिस होता है लोबार निमोनिया में। वैसे ही अगर एंट्रिक फीवर किसी को हो और उसे हेमरेज या फिर परफोरेशन हो जाए, हेमरेज या परफोरेशन होता है उसमें फॉल करता है बाय क्राइसिस, लोबार निमोनिया में भी बाय क्राइसिस, एंट्रिक फीवर में भी बाय क्राइसिस। इसके बाद एड्रीनल क्राइसिस जो मनिंजोकोकल मनिंजाइटिस में होता है, एड्रीनल
क्राइसिस, जो मेनिनजोकोकल मेनिनजाइटिस में होता है एड्रेनल क्राइसिस, उसमें भी फॉल बाय क्राइसिस होता है। इसके अलावा सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक में भी फॉल बाय क्राइसिस होता है। इसके बाद डेंगू में भी क्राइसिस एकदम से फॉल करता है डेंगू में। सो ये कॉजेज आपको याद रखना है कि फॉल बाय क्राइसिस एकदम फॉल करके आप टेम्परेचर, लोबार निमोनिया, एंट्री फीवर जो थर्ड वीक में था जिसमें इंटेस्टाइन हेमरेज या फिर परफोरेशन हो रही थी, एड्रिनल क्राइसिस जो मेनिनजोकोकल मेनिनजाइटिस में मिलता है उसमें भी एकदम से फॉल करता है, सेप्टिक शॉक में भी एकदम से फॉल करेगा, डेंगू फीवर में भी एकदम से फॉल करेगा, फॉल बाय क्राइसिस। ओके, अब फॉल बाय लाइसिस किसमें होता है, जो मतलब ओवर डेज, ओवर वीक्स में, ओवर सेवरल डेज में अगर फॉल कर रहा टेम्परेचर, तो आपको याद रखना उसमें कॉज रहता है कि अनकम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई टाइफाइड में तो वो सेवरल डेज में फॉल करेगा, अनकम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड हो गया यानी कि हेमरेज हो गया, परफोरेशन, वो एकदम से फॉल करेगा, अनकॉम्प्लिकेटेड में वो धीरे धीरे फॉल करता है, रूमेटिक फीवर में भी धीरे धीरे फॉल करता है। इसके बाद एक्यूट ब्रोंको निमोनिया में भी वो धीरे धीरे फॉल करता है। सो अनकम्प्लिकेटेड एंट्रिक फीवर, रूमेटिक फीवर, एक्यूट ब्रोंको निमोनिया, एक्यूट ब्रोंको निमोनिया, इन सब में लोबार निमोनिया बाय क्राइसिस, एक्यूट ब्रोंको निमोनिया बाय लाइसिस। अब अगर हम किसी को एंटीपायरेटिक्स देते हैं, पैरासिटामोल देते हैं, उसमें कैसे फॉल होएगा, उसमें क्राइसिस है, एकदम फॉल करेगा क्राइसिस है। अगर हमने किसी को पैरासिटामोल दे दिया उसमें फॉल करेगा बाय क्राइसिस, एकदम से फॉल करेगा। सो ये बताना चाहिए आपको फॉल बाय लाइसिस क्या होता है, फॉल बाय क्राइसिस क्या होता है। अब उसके बाद टर्म आती है व्हाट इज पीरियोडिक फीवर। पीरियोडिक फीवर क्या होता है, इसमें अटैक्स होते हैं फीवर के और फिर एफीब्राइल फेज हो जाता है, अटैक्स ऑफ फीवर। अभी फीवर के अटैक हुए, तीन चार दिन के लिए फीवर लिया, फिर हो गया एफीब्राइल और फिर से अटैक ऑफ फीवर स्टार्ट हो गया। सो ये चलता है, दैट इज पीरियोडिक फीवर। इट इज द पीरियोडिक अटैक्स ऑफ पायरेक्सिया अल्टरनेटिंग विद ए पीरियड ऑफ एपायरेक्सिया। और तुम्हें पता होना चाहिए कि अटैक्स ऑफ फीवर और एफीब्राइल फिर अटैक्स ऑफ फीवर कौन सी कंडीशन में होते हैं, दैट इज पीरियोडिक फीवर कौन सी कंडीशन में होते हैं। ये हमें मिलते हैं हॉजकिन डिजीज में, हॉजकिन डिजीज में जो अटैक्स ऑफ फीवर को मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसको पेल एब्स्टीन फीवर, पेल एब्स्टीन फीवर, पेल एब्स्टीन फीवर यानी अटैक्स ऑफ फीवर जो हो रहे हैं हॉजकिन डिजीज। उसके बाद ब्रुसिलोसिस में भी पेशेंट को फीवर होता है फिर चला जाता है, फिर हो जाता है ब्रुसिलोसिस, अटैक्स ऑफ फीवर। इसके अलावा रिलैप्सिंग फीवर, रिलैप्सिंग फीवर में अटैक्स होते हैं, मलेरिया में अटैक्स आते हैं फीवर के, मलेरिया में। इसके अलावा रैट बाइट फीवर, रैट बाइट फीवर। इसके बाद डेंगू फीवर, डेंगू फीवर। सो ये इंपॉर्टेंट कॉजेज है कि पीरियोडिक फीवर कहाँ कहाँ मिलते हैं, अटैक्स होते हैं फीवर के, हॉजकिन डिजीज, ब्रुसिलोसिस, रिलैप्सिंग फीवर, मलेरिया, रैट बाइट फीवर, डेंगू फीवर, इसमें अटैक्स होते हैं फीवर के, हॉजकिन, ब्रुसिलोसिस, रिलैप्सिंग फीवर, मलेरिया, रैट बाइट फीवर, डेंगू फीवर। सो हॉजकिन, ब्रुसिलोसिस, रिलैप्सिंग फीवर, मलेरिया, रैट बाइट, मलेरिया डेंगू में अटैक्स फीवर के होते हैं, याद रखो मलेरिया डेंगू काफी कॉमन है और इसमें अटैक्स होते हैं, पीरियोडिक फीवर होते हैं इसमें। इसके बाद रैट बाइट फीवर, ब्रुसिलोसिस, रिलैप्सिंग फीवर, हॉजकिन डिजीज। अब कुछ स्पेशल फॉर्म्स ऑफ फीवर के हम याद रखें कि ब्लैक वाटर फीवर किसमें होता है, ब्लैक वाटर फीवर मलेरिया में होता है, ब्लैक वाटर फीवर मलेरिया में, ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर की जगह अगर मैं ब्लैक फीवर लिख दूं, ब्लैक फीवर जो मिलता है हमें काला आजार में, ब्लैक फीवर काला आजार में, ब्लैक वाटर फीवर इज इन मलेरिया, ब्लैक फीवर इज इन काला आजार, एंड प्री टीबियल फीवर भी एक होता है, प्री टीबियल फीवर। सो व्हाट आर द डायग्नोस्टिक क्लूज इन फीवर, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्नोस्टिक क्लूज फीवर में हमें कैसे पता होना चाहिए, डायग्नोस्टिक क्लूज, डायग्नोस्टिक क्लूज क्या क्या होते हैं फीवर में कि कौन सा फीवर है, डायग्नोस्टिक क्लूज। अगर पेशेंट वेरी टॉक्सिक है, फीवर में टॉक्सिक लुक दे रहा है, टॉक्सिक लुक, तो वो कौन कौन से कॉज आते हैं जिसमें फीवर में पेशेंट को टॉक्सिक लुक होता है, एक तो हो गया टाइफाइड, टाइफाइड में टॉक्सिक होता है पेशेंट को, सेप्टिसीमिया में, सेप्टिसीमिया में टॉक्सिक होता है। इसके बाद मिलरी ट्यूबरक्लोसिस, मिलरी ट्यूबरक्लोसिस एंड टाइफस फीवर, टाइफस, टाइफस फीवर, टाइफाइड, मिलरी टीबी, सेप्टिसीमिया, इन सब में टॉक्सिक लुक होता है, टॉक्सिक लुक का होता है फीवर, टाइफाइड,
सेप्टिसीमिया, मिलरी टीबी, टाइफस फीवर, टॉक्सिक लुक। इसके अलावा मार्क्ड प्रेस्पिरेशन मीन स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है फीवर में, फीवर विद मार्क्ड स्वेटिंग, प्रेस्पिरेशन यानी कि स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है फीवर के साथ। तो उसमें क्या क्या कॉज रहते हैं, उसमें रहते हैं हमारे मार्क्ड स्वेटिंग में रहते हैं हमारे कॉज सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया रूमेटिक फीवर, सेप्टिसीमिया रूमेटिक फीवर, एमीबिक लीवर अब्सेस, एमीबिक लीवर अब्सेस, एमीबिक लीवर अब्सेस, ब्रुसिलोसिस, ब्रुसिलोसिस, एमीबिक लीवर ब्रुसिलोसिस, सेबेंटिंग होता है इसमें, वही पेंटापस एनीवेयर, सेप्टिसीमिया रूमेटिक फीवर, एमीबिक लीवर अब्सेस, ब्रुसिलोसिस, इन सब में स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग होता है, सेप्टिसीमिया रूमेटिक फीवर, एमीबिक लीवर अब्सेस, ब्रुसिलोसिस, 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 इन सब में माउथ प्रेस्पिरेशन होता है। इसके अलावा माइल्जिया, सीवियर माइल्जिया, फीवर हो रहा है और माइल्जिया बहुत ज्यादा हो रहा है, सीवियर माइल्जिया, सीवियर माइल्जिया, फीवर में जहां पे माइल्जिया बहुत ज्यादा हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो डेंगू मलेरिया, डेंगू चिकनगुनिया, यू नो डेंगू एंड चिकनगुनिया, वी नो इट, वी शुड नो दैट इन्फ्लुएंजा कैन कॉज माइल्जिया, इन्फ्लुएंजा एंड इवन लेप्टोस्पाइरा कैन कॉज माइल्जिया, लेप्टोस्पाइरा, लेप्टोस्पाइरा कैन कॉज माइल्जिया, डेंगू चिकनगुनिया इन्फ्लुएंजा लेप्टोस्पाइरा, इन्फ्लुएंजा लेप्टोस्पाइरा, यू हैड फीवर विद माइल्जिया, डेंगू चिकनगुनिया इन्फ्लुएंजा लेप्टोस्पाइरा, लेप्टोस्पाइरा, फीवर विद सीवियर माइल्जिया, सीवियर माइल्जिया नॉट माइल्जिया, इट इज माइल्जिया इज वेरी सीवियर इन डेंगू चिकनगुनिया लेप्टोस्पाइरा एंड इन्फ्लुएंजा। इसके बाद पर्पुरा, स्किन में पर्पुरा विद फीवर, सो लेक्यूमिया एंड एक्यूट लेक्यूमिया, सेप्टिसीमिया में भी पर्पुरा होता है, सेप्टिसीमिया, एक्यूट लेक्यूमिया, सेप्टिसीमिया में भी पर्पुरा होता है, वैसे फीवर के साथ जो कन्वर्जन होगा, फीवर विद कन्वर्जन, सो इट कुड बी फेब्राइल कन्वर्जन, डायग्नोसिस फेब्राइल कन्वर्जन, और इट कुड बी मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस, सेरेब्रल अब्सेस, सेरेब्रल अब्सेस,
that for
टेम्परेचर